राजस्थान और मध्य प्रदेश के सरहद पर बहने वाले चंबल नदी के दोनों किनारों पर अनगिनत घाटियां हैं। इस विशाल इलाके की कमजोर मिट्टी के कुदरती कटाव से बनी ये वीरान और बंजर घाटियां अपने आप में किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। चंबल के ये बीहड़ डकैतों की मनपसंद पनाहगाह थे। इन बीहड़ों में तो पुलिस भी आने से कतराती थी, मगर यहां रहने वाले डकैत इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और हमेशा सतर्क और हथियारों से लैस रहने वाले इन डकैतों ने 21वीं सदी की शुरुआत तक यहां राज किया। कानून ने अपना शिकंजा कसा तब उनकी पकड़ ढीली पड़ी। आखिरी बचे खूंखार डाकुओं में से एक था निर्भय सिंह गुर्जर। मुरैना के आसपास के इलाकों पर उसका राज था और उसके छिपने की एक पसंदीदा जगह थी एक प्राचीन मंदिर के खंडहर। चंबल घाटी में काफी अंदर बने हैं बाबा बटेश्वर के ये मंदिर। बटेश्वर संहार करने वाले शिव के ही एक नाम भूतेश्वर से लिया गया है। इस विशाल मंदिर प्रांगण में बलुहा पत्थर के बने करीब 200 मंदिर हैं। भारत में कहीं और एक ही जगह पर इतने मंदिर नहीं बने। यहां का पहला मंदिर करीब 1300 साल पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने बनवाया था और अगले 200 सालों में यहां बाकी के मंदिर बने। अपने चरम काल में गुर्जर प्रतिहार राजाओं का साम्राज्य गुजरात से उत्तरी बंगाल तक फैला था। उन्होंने ही ग्वालियर में उत्तर में करीब 35 किलोमीटर दूर और मुरैना से पूर्व में 30 किलोमीटर दूर बटेश्वर मंदिर बनवाए थे। लेकिन 13वीं सदी के विनाशकारी भूकंप ने बटेश्वर मंदिरों को तबाह कर दिया। ये खंडहर एक ऐसी रहस्यमयी जगह बन गए जहां आने से हर कोई डरता था सिवाय चंबल के डकैतों के। ये मंदिर बड़े ही रहस्यमयी थे, ऐसा लगता जैसे इनके अंदर कोई रूह हो। मगर सवाल था यहां तक पहुंचा कैसे जाए और कैसे इन मंदिरों के कंजर्वेशन का काम किया जाए। यहां के लोगों की तो छोड़िए, सरकारी नुमाइंदे भी यहां आने से डरते थे। निर्भय गुर्जर और उसका गिरोह भले ही बड़ा खतरनाक था, पर वो ईश्वर के भक्त थे। लूटपाट और खून खराबा करने के बावजूद वो इन खंडहरों के देवी देवताओं में गहरी आस्था रखते थे। निर्भय गुर्जर और उनके साथ ही शिव के उपासक थे और उनकी इसी आस्था ने बटेश्वर को बचा लिया। हम कह सकते हैं कि उनकी ही वजह से ये मंदिर सुरक्षित और संरक्षित रहा। यहाँ आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अलावा भी देवी देवताओं की मूर्तियां मिल जाएंगी। अगर वो डकैत यहाँ नहीं होते तो इन मूर्तियों को स्मगलर्स कब का उठा कर ले गए होते। उन लोगों के यहाँ होने की वजह से ही ये खंडहर और यहाँ की मूर्तियां बची रही। एक कुंड के चारों तरफ बने बटेश्वर मंदिर भगवान शिव, विष्णु और मां शक्ति को समर्पित हैं। कुछ मंदिर सिर्फ 5 फुट ऊंचे हैं तो कुछ की ऊंचाई 50 फुट तक है। 10वीं सदी तक भारत के सबसे खूबसूरत मंदिरों का घर बटेश्वर भूकंप के बाद कुछ खंडहरों के रूप में सिमट कर रह गया, जिनकी मरम्मत खतरे से खाली नहीं थी। सन 2005 में उन डकैतों से बातचीत शुरू हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग बटेश्वर के खंडहर में दस्यु सरगना से मिलने गए। ये काम शेर की मान में जाने जैसा था। वहां उनकी मुलाकात निर्भय सिंह गुर्जर से हुई और उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वो सिर्फ मंदिर की मरम्मत का काम करेंगे, उसे या उसके साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गुर्जर ने हाँ कर दी। शायद वो जानता था कि अब उसके दिन खत्म होने वाले हैं,
वो अपने पापों का प्रायश्चित भी करना चाहता था। गुर्जर के हाँ कहते ही बटेश्वर के मंदिरों की मरम्मत का काम शुरू हो गया। इन मंदिरों की मरम्मत का काम भी आसान नहीं था। पूरे प्रांगण में पत्थरों के ढेर पड़े थे, एक महापहेली की तरह। अब सवाल था, आर्कियोलॉजिकल टीम इस पहेली को कैसे सुलझाएगी? मैं उन खंडहरों को देख रहा था, तभी मेरी नजर कुछ पत्थरों पर पड़ी। मुझे वो पत्थर थोड़े अलग लगे। फिर मुझे खंभे का बेस नजर आया। पास में ही वो खंभे भी पड़े थे। उन्हें देखकर मैं समझ गया कि वो मंदिर का प्रवेश द्वार था। और काम शुरू हो गया। हजारों साल पुराने पत्थर के पट्टियों, स्तंभों और मूर्तियों को मंदिरों के हिसाब से लगाया जाने लगा। इसके बाद ही मंदिरों के निर्माण का काम शुरू हो सकता था। धीरे धीरे पुराने मंदिर फिर से आकार लेने लगे। एक दिन मैं वहीं पर घूम रहा था, तभी मेरी नजर एक इंसान पर पड़ी जो एक मंदिर में खड़ा बीड़ी पी रहा था। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम मंदिर में बीड़ी पी रहे हो? उसने बड़े गौर से मुझे देखा। इस सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट को पता ही नहीं था कि इन्होंने निर्भय सिंह गुर्जर को खरी खोटी सुनाई है। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सबसे कुख्यात डकैत के सामने खड़ा हूं। मामला बड़ी जल्दी बेकाबू हो सकता था। तब मैंने गुर्जर से कहा, ईश्वर ने आपको एक खास मकसद से भेजा है। वो पूछने लगे, किस मकसद से? मैंने कहा, देखिए, आपका नाम निर्भय सिंह गुर्जर है, यानी आप गुर्जर प्रतिहार वंश से ताल्लुक रखते हैं, और इस जगह की हिफाजत के लिए शायद ऊपर वाले ने आपको यहां पर भेजा है। तो इस तरह से मैंने उन लोगों का भरोसा जीता। करीब 8 साल में बटेश्वर के 80 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया। इन मंदिरों को तो नई जिंदगी मिल गई थी, लेकिन उन डकैतों को एक एक करके मार दिया गया। और अंत में वो डकैत निर्भय सिंह गुर्जर भी गोलियों से भून दिया गया। इस बात का हमें दुख हुआ, हालांकि उसकी वो हालत उसके पहले कुकर्मों की वजह से ही हुई थी, मगर जब वो मारा गया तब हम सभी को बहुत बुरा लगा था। अब बटेश्वर के मंदिर भूले बिसरे मंदिर नहीं हैं, ये भारत के अनमोल धरोहर हैं। मरम्मत का काम जारी है और एक एक करके सारे मंदिर आकार लेने लगे हैं। हमारे अतीत के बारे में हमें नई बातें बता रहे हैं।